Hello everyone, I am Motilal Sharma and welcome to my class. And in the previous lecture we have already discussed all the four parts of the question number 2 of the exercise 1.2. ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इसका सेकंड क्वेश्चन. रिमेनिंग पार्ट देखो क्या है आपका. फर्स्ट वन इज गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इट इज माइनस 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज, ठीक है, तो सिंस वही बात लिखेंगे क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय, तो क्या होगा वो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, ठीक है. अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ 1/4 ऑफ एक्स और प्लस ऑफ 1/4. तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4x² प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 अपॉन 4, तो यू विल गेट 4 × 4x² प्लस, ठीक है जी. तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला पार्ट. तो सिमिलरली अपने पास जो वैल्यू था 1/4, ये ध्यान रखना बाबा, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको. दिस पार्ट इज़ अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का जीरोज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सो इट इज़ नॉट टेकन इन द पॉलीनोमियल. पॉलीनोमियल इसको हम लोग लेते नहीं है, कॉमन लेके बाहर रख देते हैं, ठीक है. सिंपल सी बात, तो पॉलीनोमियल आपकी क्या हो जाएगी, 4x² प्लस एक्स प्लस 1 है यहाँ पे, सो 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियर, ठीक है जी. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. हियर ऑल्सो, ठीक है, गिवन दैट क्या है भाई, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 4, ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज 1, सम प्रोडक्ट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सिंस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एल हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय, ये सब बोर्ड में स्टेपिंग्स आपको काम आएंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले इसको फॉर्मूला स्पेसिफाई करना है आपको, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दोनों वैल्यू लोगे वहाँ से, वैल्यू सिंपली पुट करो तो ये बोलिए x² माइनस 4x प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 1. सिंपल सी बात थी भाई, ये बहुत सिंपल था, यहाँ पे ना ही कोई कॉन्स्टेंट बाहर है आपका, ना ही कोई अलग से कोई फ्रैक्शन है, तो आप इसको यहीं पे छोड़ दोगे. अब ध्यान से देखना, सो इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है जी. तो ये इसका सबसे सिंपल पार्ट था. तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गिवन रूट्स ओनली, तो समटाइम्स यू विल हैव टू फेस द रूट वैल्यूज, वैल्यूज विच आर कमिंग आउटसाइड द फ्रैक्शन, मतलब कहीं ना कहीं आपका फ्रैक्शन के पार्ट में आएगा, तो उसमें आप क्या करोगे, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लोगे, जो फ्रैक्शन आएगा एक्स्ट्रा उसको आप सेपरेट करके, तब जो वैल्यू आएगी आपकी दैट इज लाइक दिस,
इस तरह का क्वेश्चन। फ्रैक्शन आप साइड में रखोगे, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वही आपका क्या होगा आंसर। फ्रैक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका इक्वेशन में जीरोज़ की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। कभी कभी जीरोज़ को रूट्स बोलते हैं, याद रखना रूट्स और जीरोज़ में अंतर क्या है। रूट इज़ यूज फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स का यूज़ करते हैं हम लोग इक्वेशन में, वेरी माइनर डिफरेंस, बहुत सा इंपॉर्टेंट सी बात है इसीलिए टॉप, ठीक है। और जीरोज़ की हम इस्तेमाल करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स, मीन्स वी यूज़ वर्ड जीरोज़ इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड वी यूज़ वर्ड रूट्स इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या सिंपली यू विल से दैट इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन कह सकते हो आप, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.2 एंड इन द नेक्स्ट लेसन वी विल मूव ऑन द एक्सरसाइज 2.3। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।